फेशियल में आपने बैक मसाज बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल स्टेप के साथ बताऊंगी कि किस तरह से बैक मसाज की जाती है। इसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फुल फेशियल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को बिठा के बैंड वगैरह कवर कर देना है और फिर रोज़ वाटर की मदद से फेस को क्लीन करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लींजिंग, एयूर का क्लींजिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपको सिंपल मसाज करनी है जैसे मैंने स्टेप बताए हैं, और मैंने पहले वीडियो में भी बहुत सारे स्टेप्स बता रखे हैं। यहाँ पे भी मैं आपको स्टेप्स के साथ साथ पूरी वीडियो बताऊँगी, और साथ ही ये भी बताऊँगी कि कैसे प्रेशर दिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि मैम प्लीज़ प्रेशर पॉइंट बताइए कैसे प्रेशर दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमारा यहाँ पर पहला स्टेप क्लींजिंग है, तो क्लींजिंग हमारी हो गई है खत्म, और इसके साथ ही हमने क्लींजिंग कर दी क्लीन। और यहाँ पे मैंने वेल अरोमा की गोल्ड ब्लीच ली है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्लीच देख लीजिए, बिल्कुल न्यू पैक है, अभी अभी इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया है। तो देखो किस तरह से हमें ब्लीच इतनी ले लीजिए जितनी की नीड है। अगर आपको बैक वगैरह पे भी ब्लीच अप्लाई करनी है तो उसके हिसाब से, बैक के लिए आपको बाद में ब्लीच बनानी पड़ती है, और जब आप फेस पे करते हो तो फेस के लिए आपको सबसे पहले ब्लीच बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि फेस पे एक्टिवेटर थोड़ा कम डलता है, और जब आप बैक की बात करते हो तो बैक पे एक्टिवेटर थोड़ा ज़्यादा डलता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फेस के लिए बना लिया है, तो मैं यहाँ पे फेस पे ब्लीच कर रही हूँ। देखो किस तरह से ब्लीच लगाने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ब्लीच लगाने का तरीका नहीं मालूम है, और आईब्रोज से बचा के करते हैं ब्लीच, आंखों के पास नहीं करते हैं। ज़्यादा आंखों के पास करोगे तो आंखों से आंसुओं की धाराएं बहेंगी, और फिर आपको इरिटेशन होने लगेगी, आंखों में जलन जैसी फील होगी। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए पहले से ही बचाव करते हुए चलिए। और अब देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ये भी देख लीजिए। ब्रश की मदद से करोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल सा काम लगेगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब भी ब्लीच करती हूँ तो मैं अपने फेस पे फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। तो बट यह क्लाइंट के लिए हमें एक प्रॉपर सर्विस देनी होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ब्लीच ब्रश का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, और इनके नेक वगैरह पे भी अच्छे से मैंने कवर कर दिया। तो इन्होंने कहा था कि भाई इनको गाउन वगैरह नहीं पहनना है, इसीलिए इन्होंने गाउन नहीं पहना, और जस्ट मैंने टॉवल अप्लाई की और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। जब थोड़ी देर बाद लाइक 15-10 मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी ब्लीच जो है वो बबल जैसे छोड़ने लग गई है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो ब्लीच है वो हो रही है और प्रॉपर रिजल्ट दे रही है। इसलिए क्या करना है, आपको हल्का सा ब्लीच को रिमूव करना है और चेक कर लेना है। तो यहाँ पे इनकी ब्लीच हो गई है, और यहाँ पर अब हम हटाएंगे ब्लीच को। देखो मैं तो इस पर उनकी मदद से बहुत जल्दी हटा देती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप टिश्यू ले लीजिए, उसे वेट कीजिए और उसके बाद ब्लीच को रिमूव कीजिए। ऐसे करने से आसानी रहती है कि ब्लीच बहुत सारी, मतलब तो काफ़ी ब्लीच तो इस स्पून में ही करेक्ट हो जाती है, और उसके बाद इसको क्लीन करना बहुत ईजी रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्लीच को रिमूव करना है। देखो मेरा तरीका बहुत सारी चीज़ों में अलग दिखेगा, हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंपली मैंने ब्लीच हटाने का एक आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से ब्लीच हटा सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारी थिक ब्लीच थी वो रिमूव हो गई, और इसके बाद मैंने वेट टिश्यू को वेट किया और फिर ब्लीच को रिमूव किया। देखो फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है, और ब्लीच के बाद आपका जो फेस होगा वो आपको अलग ही दिख जाएगा कि हाँ ब्लीच हुई है, उसमें एक ब्राइटनेस आ जाती। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं वाइन फेशियल। रेड वाइन का फेशियल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार दिखा रही हूँ, तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी न्यू चीज़ें बताई हैं। देखो यहाँ पे हमारे हैं 5 स्टेप्स। सबसे पहला होता है हमारा क्लींजर। जो आप सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं ना, उसे काउंट नहीं किया जाता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है फेशियल वाइन है, तो इसका कलर भी पर्पल जैसा ही है। तो देखो इसका रिजल्ट देखना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार आया है इसका रिजल्ट। तो सबसे पहले क्लींजर है, और बीच बीच में रोज़ वाटर और वाटर का यूज़ करते हुए चलना है। तो स्टेप देख लीजिए किस तरह से, देखो सुटेबल जब रहता है, जब आप गाउन वगैरह डाल लेते हो ना तो आपके हाथ आपके फिंगर बहुत अच्छे से वर्क करती है। और मेरी तो हैबिट है कि जब भी मैं फेशियल करती हूँ तो मैं प्रॉपर नेक से लेते हुए करती हूँ, तो मेरे टिप्स वो मूव हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे मैंने टॉवल लगाई है, बट कोई नहीं, इट्स ओके यार, क्लाइंट हर टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इस तरह से मसाज देनी है फोरहेड पे, अपने गालों पर किस तरह से प्रेशर है वो भी देख लीजिए। क्लींजिंग है, तो क्लींजिंग में हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स का ध्यान देना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ फिर भी आपको ऐसे स्टेप्स तो करने हैं जो कि बेसिक है। तो अभी जो स्टेप्स मैं दिखा रही हूँ वो बेसिक स्टेप्स हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर नए मिल जाएंगे, आप
चाहो, अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना और जब आप उस लाइन के एक परफेक्ट इंसान बन जाते हो तो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि किसके फेस पे कौन सा स्टेप करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे स्टेप बता देती हूँ आपको, ताकि आपको जो भी हैबिट में हो रहे, मतलब क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस से हमारे कुछ स्टेप्स ऐसे हो जाते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं, आप उन्हें भुला ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं अपने वीडियो में सारे स्टेप्स बताती हूँ चलती हूँ, ताकि आप सभी की प्रैक्टिस करो। यार मान लो मैंने 20 स्टेप्स बताए हैं और 20 की आपने प्रैक्टिस की, तो 20 नहीं तो कम से कम 15 तो करोगे ना। तो इसीलिए अब देखो, इसी के साथ बातें करते करते यार क्लींजिंग भी पूरा हो गया, तो अब हमने क्लींजिंग को क्लीन कर देंगे। और सेकंड है हमारा स्क्रब, तो इसका स्क्रब भी कुछ पर्पल टाइप में है और इसकी जो खुशबू थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और पूरे पार्लर में ऐसे महक रहा था जैसे यहाँ पे वाइन वगैरह, लाइक समझ गए ना यार। तो यार यहाँ पे क्या करना है, अब हम स्क्रब कर रहे हैं और स्क्रब करते करते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे वाइन में क्या होता है ना, क्रीमी स्क्रब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब हम डायमंड फेशियल करते हैं ना तो इसका स्क्रब हार्ड होता है, तो हमें वहाँ पे सॉफ्ट हाथों को चलाना होता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये स्क्रब जो है वो वाइन है, क्रीमी स्क्रब है। क्रीमी स्क्रब में आपको हल्की सी अगर फिंगर टाइट भी हो जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा टिप्स को थोड़ा सा टाइट करते हुए चल रही थी, क्योंकि इनके टैनिंग भी बहुत हो रही थी और इसलिए ध्यान देना पड़ा था, बट इनके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं थे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जब आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है उन्हें रिमूव करने में और वो एक बार में रिमूव भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो मैंने स्टेप्स आपको बता रखे हैं कि किस तरह से करते हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए कुछ नया लेके आती रहूँगी, और सेकंड थिंग आपके लिए ये रहेगी कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा चल रहा है सेकंड स्टेप फेशियल का, स्क्रब का। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप आँखों को क्लोज करते हो ना तो याद रखिए कि बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेशर नहीं देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली उसको कवर करके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो और बहुत जल्दी हटाते भी नहीं है। देखो कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने कहा था भाई मैं किसी पार्लर में गई और उन्होंने आधे घंटे में फेशियल ख़त्म कर दिया। यार तुम लोग खुद सोचो, ये मेरी 16-17 मिनट की वीडियो होती है तो इसको एडिट करने में हमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो जो मेरा फेशियल होता है ना वो पूरा लाइक 1-1.5 घंटा चला जाता है फेशियल करने में, तो आधे घंटे में लोग क्या ही फेशियल करते होंगे। इसलिए यार अगर आप चाहते हो एक बार मेरे से मसाज करा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आता है। और फेशियल एक ऐसी चीज़ है कि इंसान चाहता है कि एकदम ना रिलैक्स हो जाए बॉडी, तो उसके लिए यार आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यही होता है कि जब भी आप फेशियल के मूड में होते हो ना तो अपना 1-1.5 घंटा लेके आइए आराम से और रिलैक्स होकर पार्लर में बैठ जाइए, फिर मसाज लीजिए, और वो मसाज मेरे हाथ की हुई तो क्या ही बात होगी। तो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं प्रेशर। अब देखो मैं यहाँ पे आपके पॉइंट बताऊंगी कि कौन सी जगह पे आपको फिंगर को टाइट रखना होता है, कौन सी जगह पे स्लो रखना होता है। स्टेप्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आप जब चिन पे वर्क करते हो ना तो अपने लाइक फिंगर, आपने भी नोटिस किया मैंने अपने 4 फिंगर का यूज़ करके अपने आईब्रोज के कॉर्नर पे थोड़ा सा प्रेशर दिया, तो इसी टाइप से आपको मूव करना है। और देन अपर लिप्स पे जब आप मूव करते हो, अपर लिप्स पे जब आप एक्टिवेट हो जाते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। देन उसके बाद हमें अपने नोज़ पे वर्क करना होता है। नोज़ पे करते हुए हम अपने थंब का और फिंगर का यूज़ करते हुए इस तरह से प्रेशर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई थी, मैम प्लीज़ इसके ऊपर भी स्टेप्स के ऊपर भी बताइए कि कहाँ प्रेशर देना चाहिए, कहाँ कैसे होना चाहिए। तो गाइस आप सभी लोगों के लिए हाँ एक चीज़ और बोलूँगी मैं कि जब भी आप फेशियल कराते हो ना तो आंखों को बीच बीच में खोलना नहीं चाहिए, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर लेट जाइए। लेकिन उन्होंने बीच बीच में खोल भी ले रही थी आंखें, तो इसलिए इनकी आंखों में क्रीम चले जा रही थी। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि क्रीम के दौरान जब आप फेशियल कर रहे हो फिर आंखों को साफ़ करना, तो उससे क्या होता है कि पूरी क्रीम जो है वो रिमूव हो जाती है। इसलिए आप अपनी आंखों को बंद करके आराम से लेट जाइए और उसके बाद मसाज कराइए। तो यहाँ पे क्या है, देखो स्टेप मैं सारे बता दे रही हूँ आपको, पूरे प्रेशर बता दे रही हूँ किस तरह से है, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए।
गाइस ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ें बताई हैं और आप सभी लोग फेशियल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो और होना भी चाहिए यार, स्किन की बात होती है तो इसीलिए मैं भी सीरियस के साथ आपको सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा अब ये स्क्रब कम्प्लीट हो गया, देन हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा, थर्ड से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जो ब्लैकहेड्स रिमूव करने होते हैं वो इस पिन की मदद से रिमूव करने होते हैं, बट इनकी कुछ भी नहीं था, ना वाइट हेड्स ना ब्लैकहेड्स, फिर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो कुछ भी नहीं था। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हुए और यहाँ पे हमारा है थर्ड स्टेप, जो कि देखो इस क्रीम का एक बेनिफिट था कि इसमें सारी क्रीम पर्पल कलर की थी और बहुत गजब लुक दे रही थी। तो यहाँ पे देखो अब क्रीम की मसाज है, तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि जब भी आप क्रीम की मसाज करते हो तो थोड़ा सा टाइम तक कर सकते हो, और इसकी मसाज अगर आप 10 से 15 मिनट भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला, जब भी आप मूड बनाते हो ना कि आज चलो फेशियल करा के आते हैं, तो आप अपना 1-1.5 घंटा आराम से निकाल के लेके आइए, क्योंकि इतना टाइम बहुत आराम से लगता है। और फेशियल करना मेरा सबसे फेवरेट काम है क्योंकि फेशियल में मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में, और इसमें मैं नई नई चीज़ें सिखाती हूँ तो इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। देखो यहाँ पे मैंने जेड रोलर का यूज़ किया है, जो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो काम हमारी फिंगर नहीं कर पाती है वो काम ये करता है। तो इससे जब आप इसका यूज़ करते हो ना तो काफ़ी मज़ा आता है और थोड़ी सी गुदगुदी सी भी फील होती है। इन्हें भी काफ़ी बार फील हो रही थी, इन्होंने मुझसे कई बार बोला था, लेकिन इट्स ओके फाइन यार। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब भी आप काम कराते हो तो प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए, और मैं अपने सभी बिगनर्स लोगों को और जो भी ब्यूटिशियन है उन सभी को ये बोलूँगी कि यार जो भी काम करो ना दिल से करो, मन लगा के करो, क्योंकि यार अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपके जो क्लाइंट है ना वो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आप सभी लोगों को एक इंसिडेंट तो पता ही होगा कि कुछ टाइम के लिए मेरा पार्लर जो है वो क्लोज हो गया था पूरी तरह, लेकिन यार अब जब मैंने न्यू ओपन किया, दोबारा से स्टार्टिंग की, तो यार मेरे क्लाइंट कहीं नहीं गए, सब वापस आए, और मतलब इतना ज़्यादा वो हैप्पी थे कि यार पूजा थैंक यू यार आपने दोबारा पार्लर खोल लिया। मतलब सोचो ना यार, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो इट्स मीन आपके काम में क्या ही बात होगी। तो वही है कि आप अपना नेचर, आप अपना काम अच्छा रखिए, प्रॉपर सर्विस दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट बहुत हाइपर हो जाता है, तो उसमें हमें हाइपर नहीं होना है। यही चीज़ें आपके बिजनेस में मतलब होनी चाहिए कि आप जब भी काम करो तो आप अपने नेचर में चेंजेस लेके आओ, नेचर अच्छा रखो। और सेकंड थिंग मैं बोलूँगी कि काम अगर आप सपोज दैट कोई फेशियल के लिए आ रहा है तो यार उसमें थ्रेडिंग फ्री कर दो, ऐसा करो। मतलब ये ना एक बिजनेस का एक तरीका होता है, तो क्लाइंट खुश हो जाता है। अब इसी के साथ हमारा फोर्थ स्टेप भी स्टार्ट हो गया, जो कि है जेल। और बातों के साथ साथ आप प्लीज़ काम पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काम ही नहीं देखोगे तो क्या ही फ़ायदा फिर इस वीडियो को देखने का। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी, और यहाँ पे मैं अपने बहुत सारे इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे चल रहा है जेल, जो कि हमारे फेस को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमें जेल की मसाज बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करते हैं, लाइक 6 से 7 मिनट की आप जेल की मसाज कर सकते हो, और इसके बाद ये स्किन में ऑब्जर्व भी हो जाता है। काफ़ी लोग इसके ऊपर ही पैक लगा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे इसको ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और क्लाइंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आधे घंटे तक बैठा रहे। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जब आप जेल करते हो ना तो उसको जेल को रिमूव करके उसके बाद आपको पैक अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो किसी ने मुझसे ये क्वेरी भी की थी कि मैम जेल के ऊपर ही पैक अप्लाई करते हैं, जेल को क्लीन नहीं करते हैं। हाँ करते हैं, मैं अग्री करती हूँ आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जेल के ऊपर पैक लगा दोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ड्राई होने में, जो कि मतलब ये होता है कि पार्लर में ना 1-1.5 घंटा तो आपको वैसे ही लग गया यार फेशियल करते करते, और उसके बाद आधा 1 घंटा फिर लग जाएगा पैक सुखाने में, तो फिर यार वो टाइम इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए किसी का। तो देखो यहाँ पे इसी के साथ मैंने यहाँ पे इसकी भी मसाज करके दिखा दी है जेल की, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब इनके फेस को भी क्लीन कर देते हैं, और यार ये बैक साउंड को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यार बैक साउंड है लाइक बाहर से आवाज़ आती रहती है, लेकिन यार मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, मैं क्या ही करूँ। तो इसलिए मैं पार्लर में ही वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए डेली रूटीन पर कुछ ना कुछ लाती रहूँ। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पैक अप्लाई, तो पैक भी आप देख लीजिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम ब्लीच कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप पैक की मदद से कर सकते हो, जैसे कि पैक अप्लाई करते ना या फिर ब्रश की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके।
तो इस तरह से हमारा ये एक तरीका होता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे ये फेशियल, हमारा ये जो फेशियल स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हुए। इसके बाद आप भी आप कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बैक मसाज दिखाने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब हम बैक मसाज स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपने स्क्रब ले लेना है, तो जब भी आप बैक मसाज करो तो स्क्रब से ही करो। तो यहाँ पे मैं स्क्रब से कर रही हूँ, और बैक मसाज करते समय थोड़ा सा अपने हथेली का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको टिप्स का भी यूज़ करना है, लेकिन हथेली का बैक पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हाथों को थोड़ा सा टाइट रखना है, हाथों को टाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक है और शोल्डर को थोड़ा सा मसाज देते हुए चलोगे तो बहुत अच्छा फील होता है। तो इसी के साथ यार यहाँ पे मसाज देख लीजिए, और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको मसाज के बारे में बताया था। तो अगर आपको लगता है वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारे 50K हो पाए हैं, तो आई होप गाइस हम जल्दी प्ले बटन की ओर भी होंगे। तो हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, अपना काम करते जा रहे हैं। बस आपका काम इतना सा है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो, और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको लगता है किसी टाइप की फीडबैक की ज़रूरत है तो प्लीज़ गिव द फीडबैक, एंड मैं आपके फीडबैक पे वर्क जरूर करूँगी। तो इसी के साथ हमारी बैक मसाज भी कंप्लीट हुई, और यहाँ पे अब हम कर देते हैं। देखो बैक मसाज भी आप जब क्लीन करते हो तो अच्छे से साफ करना है, कहीं स्क्रब वगैरह ना रह जाए, और अपने क्लाइंट को पूरी तरह चमका के भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक मसाज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इनका फेस भी ड्राई हो चुका है, फेस पैक। तो अब हम इनके फेस पैक को भी रिमूव कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, आपको जस्ट टिश्यू लेना है और टैप टैप करना है, हल्का सा उसे वेट करना है और उसके बाद रिमूव करना है। यही एक अच्छा तरीका होता है इसको रिमूव करने का। तो यहाँ पे मैंने भी इसी तरह से रिमूव किया है, और मैं आपको इजी चीज़ें बताती रहती हूँ और बहुत चीज़ों को आसान करके बताती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ का मज़ा लीजिए, क्योंकि यार कुछ सीखने को ही मिलेगा हंसी मजाक के साथ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अभी कहाँ जा रहे हो यार, रिजल्ट देख के जाना, क्योंकि रिजल्ट भी तो देखना ज़रूरी है ना। और इन मैम का कल मेकअप भी है, तो वो मेकअप ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट आने वाला है ना वो बहुत गजब का आया था, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा था इन्हें भी। सो गाइज फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।